वज़ीरे आला के साथ वज़ीरे आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग शुरू। कोविड-19 वबा के बाद पांचवी बार वज़ीरे आला से मुशावरत कर रहे हैं वज़ीरे आज़म। तकनीक के कौमी दिन पर वज़ीरे आज़म का पैगाम, कोविड-19 से लड़ाई में तकनीक को बताया मददगार, कोरोना के खिलाफ तहकीक और इख्तरा में लगे लोगों को किया सलाम। माइग्रेंट मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए मरकज का रियासतों को सहूलियात बढ़ाने का मशवरा, सेहत अहलकारों की बिला रुकावट आमदोरफ्त को भी कहा। कल से रेलवे शुरू करेगा चुनिंदा मुसाफिर ट्रेन खिदमत, आज शाम 4 बजे से होगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग। वज़ीरे रेल ने कहा कि रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के साथ रेलवे मसरूफ। मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए मुल्क का वंदे भारत मिशन जारी, ब्रिटानिया, कुवैत, फिलिपाइन और रियाद से वापस लाए गए भारतीय शहरी। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 44,029, अब तक 20,916 अफराद हुए सेहतियाब, 2,206 की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना से 40 लाख मुतासिर, 2,80,000 से ज्यादा हलाक। और जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट पर सुप्रीम कोर्ट की मरकज को हिदायत, मरकज और रियासतों के सेक्रेटरियों की आला सतही कमेटी तश्कील देने को कहा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रियासतों के वज़राए आला के साथ एक अहम मीटिंग शुरू हो गई है। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। कोरोना की वजह से मुल्क में लगे लॉकडाउन की सूरत हाल पर इस मीटिंग में गुफ्तगू का इम्कान है। कोरोना वबा फैलने के बाद वज़ीर आज़म की रियासतों के वज़राए आला के साथ ये पांचवी मीटिंग है। इस मीटिंग में मुमकिन तौर पर कोरोना पर काबू पाने के लिए रियासतों और मरकज के दरमियान बाहमी तआवुन के साथ काम करने की जरूरत पर भी गौर खौस हो रहा है। इस सिलसिले की पिछली मीटिंग 27 अप्रैल को हुई थी। लॉकडाउन में कुछ रियासतों में दी गई रियायत के बाद ये पहली मीटिंग है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की रियासतों के वज़राए आला के साथ एक अहम मीटिंग शुरू हो गई है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। कोरोना की वजह से मुल्क में लगे लॉकडाउन की सूरत हाल पर इस मीटिंग में गुफ्तगू का इम्कान है। कोरोना वबा फैलने के बाद वज़ीरे आज़म की रियासतों के वज़राए आला के साथ ये पांचवी मीटिंग है। इस मीटिंग में मुमकिन तौर पर कोरोना पर काबू पाने के लिए रियासतों और मरकज के दरमियान बाहमी तआवुन के साथ काम करने की जरूरत पर भी गौर खौस हो रहा है। और इसी सिलसिले की पिछली मीटिंग 27 अप्रैल को हुई थी। लॉकडाउन में कुछ रियासतों में दी गई रियायत के बाद ये पहली मीटिंग है। मरकजी वजारत दाखिला ने माइग्रेंट मजदूरों को बिला रुकावट उनके घरों तक पहुंचाने के लिए मजीद श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को वजारत रेल के साथ ताउन करने के लिए कहा है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखकर सलाह दी है कि वो फंसे हुए माइग्रेंट मजदूरों को सड़क और रेल पटरियों पर न चलने दें और उनको ऐसा ना करने के लिए कहा गया है। वजारत दाखिला ने रियासतों को माइग्रेंट मजदूरों को पनाह, खाना और पानी मुहैया कराने का भी मशवरा दिया है। वजारत दाखिला ने तमाम मेडिकल प्रोफेशनलों, सफाई मुलाजमीन और एम्बुलेंस की बिला रुकावट आमदोरफ्त के लिए भी हिदायत जारी की है। और इसी के साथ ही रियासतों को कोविड-19 और गैर कोविड-19 एमरजेंसी केसेस से निपटने के लिए निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम को खोले रखने की इजाजत देने के लिए भी कहा गया है।
भारतीय रेल लॉकडाउन की वजह से बंद मुसाफिर गाड़ियों की खिदमात कल से शुरू कर रही है। वजारत रेलवे ने इससे मुतालिक एक जामे मंसूबा तैयार किया है। शुरू में कम तादाद में ही ट्रेनों को शुरू किया जाएगा और इस दौरान लोगों की सेहत और कोरोना इन्फेक्शन की जांच भी की जाएगी। और पीआईबी के एक बयान के मुताबिक रेलवे ने 12 मई से कुछ मुसाफिर ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे का मंसूबा है कि 12 मई से रफ्ता रफ्ता ट्रेनों को चलाने का आगाज किया जाए। शुरुआत में 15 जोड़ी चुनिंदा रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें नई दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी जाएंगी। और इन ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए बुकिंग का सिलसिला आज शाम 4 बजे से शुरू होगा और टिकट सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर ही दस्तियाब होंगे। रेलवे स्टेशनों पर वाक़े टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और बुकिंग काउंटर पर प्लेटफॉर्म समेत कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले मुसाफिरों को ही रेलवे स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त होगी। मुसाफिरों के लिए फेस कवर या मास्क लगाना लाजमी होगा और ट्रेन के रवाना होने के वक्त उन्हें अपनी जाँच करानी होगी। सिर्फ उन्हीं मुसाफिरों को ट्रेन में सवार होने की इजाज़त होगी जिनमें कोरोना वायरस की अलामत नहीं होगी। रेलगाड़ियों को चलाए जाने के प्रोग्राम समय तफसीली नुकात मुनासिब वक्त पर अलग अलग जारी किए जाएंगे। और भारतीय रेलवे मुहाजिर मजदूरों के लिए मजीद श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। अब तक 668 श्रमिक ट्रेनें शुरू की गई थी जिनमें से 105 ट्रेनें अब चल रही हैं। तकरीबन 363 श्रमिक ट्रेनें अपनी मंजिलों तक पहुंच चुकी हैं जिनमें 50 अभी रवाना होंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों से मुहाजिर मजदूरों को लेकर 20 ट्रेनें बिहार पहुंच रही हैं। बिहार हुकूमत के तर्जुमान ने बताया है कि इन रेलगाड़ियों से 23,540 मुसाफिर बिहार वापस लौट सकेंगे। काबिल जिक्र है कि पूरे मुल्क से 1 लाख से जायद मुहाजिर मजदूर और तलबा को 83 रेलगाड़ियों के जरिए अलग अलग मकामात पर पहुंचाया गया है। वहीं आने वाले दिनों में 86 मजीद रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी ताकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। और छत्तीसगढ़ में पहली श्रमिक स्पेशल आज सुबह बिलासपुर पहुंच गई है जिसमें 1,208 मुसाफिर सवार थे। मजदूरों की जांच के लिए रेलवे स्टेशन के हर गेट पर महकमा सेहत की टीम से एक जांच टीम मुकर्रर की गई है। इसके अलावा 60 बसों का भी मजदूरों को उन अजला में पहुंचाने के लिए इंतजाम किया गया है जहां उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में 1,383 मुहाजिर मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भोपाल पहुंच गए हैं। ये ट्रेन गुजरात के मोरबी से यहां पहुंची है। भोपाल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने कहा है कि तमाम मुसाफिरों को बसों के जरिए उनके अजला में उनके घरों को रवाना किया जाएगा। मोरबी से आई है गुजरात से, कल शाम को 7 बजे चली है और यहाँ पे पहुंची है। इसमें 1,383 यात्री जो हमारे पास लिस्ट आई है उसके अनुसार है। 28 जिले हैं और लगभग 12-13 लोग जो हैं अदर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। कुल मिला के 30 जिलों के लोग हैं। हमने जैसे सबसे पहले लोगों को उतारा, उनके गोलों में खड़ा किया, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी उसके अनुसार इनको सबसे पहले मेडिकली स्क्रीन किया। स्क्रीनिंग करने के बाद उनको खाना पानी फल फूल दूध बिस्किट सारी चीज़ें, सब बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, शासन प्रशासन की पूरी माकूल व्यवस्था है। सरकार ने ट्रेन चलाई इससे आए। कोई पैसा वगैरह दिया? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया। खाने पीने की व्यवस्था मिली? हाँ मिली, खाने की व्यवस्था। कैसा लग रहा है? अच्छा, खुश लग रहा है। हाँ खुश है। वहीं वंदे भारत मिशन के 5वें दिन आज 6 मुमालिक से सैकड़ों मुसाफिरों के साथ तैयारा भारत पहुंच रहे हैं। मुसाफिरों को लेकर लंदन से दिल्ली, बेंगलुरु और सैन फ्रांसिस्को से मुंबई 2 तैयारे पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। अब दिन में 3:30 बजे एक तैयारा मुसाफिरों को लेकर ढाका से मुंबई पहुंच रहा है जबकि दुबई से रात 8:10 पर तैयारा कोची पहुंचेगा। एक दीगर तैयारा दुबई से हैदराबाद रात 8:30 पर पहुंचेगा। वंदे भारत मिशन के तहत कुआलालंपुर से मुसाफिरों को लेकर रात 9:40 पर चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरेगा जबकि बहरीन से मुसाफिरों को लेकर पहुंचने वाला एक तैयारा कोझीकोड रात 11:20 पर पहुंचेगा। और कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से दुबई में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिशों के दरमियान आज भारतीय मुसाफिर वहां के एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। दुबई के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की कोरोना जांच और मुकम्मल सेहत याबी के बाद ही उन्हें सफर करने की इजाजत दी जा रही है।
वहीं कोरोना बहरान के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात के सेहत अहलकारों की मदद के लिए भारत ने 88 नर्सों का पहला जत्था दुबई भेज दिया है। आईसीयू में काम करने का तजर्बा रखने वाली ये नर्सें पहले यहां 14 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगी और उसके बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में हसब जरूरत उनकी तैनाती होगी। और तकनीक के कौमी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके कहा है कि तकनीक के कौमी दिन के मौके पर हमारा मुल्क उन सब को सलाम करता है जो दूसरों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए तकनीक को फ़रोग़ दे रहे हैं। हम अपने साइंसदानों की आज ही के दिन 1998 में हासिल गैर मामूली कामयाबी को याद करते हैं। वो भारत की तारीख का एक गैर मामूली मौका था। 1998 में पोखरण में हुए तजर्बे मजबूत सियासी क़्यादत की कारकर्दगी का इजहार भी है। आज तकनीक कोविड-19 से दुनिया को अंजाम दिलाने की कोशिशों में बहुत सो की मदद कर रही है। मैं उन सब को सलाम करता हूं जो कोरोना वायरस को हराने के तरीके खोजने की खातिर तहकीक और इख्तराअ के महाज पर डटे हुए हैं। एक ज्यादा सेहतमंद और बेहतर कुरियर्स के कयाम के लिए हम तकनीक को फरोग देते रहें। और मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़कर 44,029 हो गई है, जबकि 20,916 लोग सेहत याब होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं और 2,206 मरीजों की मौत हो गई है। भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामला सामने आ रहे हैं। वहां अब तक 22,171 मामला सामने आए हैं, जबकि गुजरात में 8,194 मामला और तमिलनाडु में 7,204 और दिल्ली में 6,923 मामला सामने आए हैं। और आलमी वबा कोरोना वायरस के दुनिया भर में अब तक 41,00,000 से ज्यादा मामलात की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 2,82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर में 4G नेटवर्क बहाल करने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से एक आला सतही कमेटी तश्कील करने के लिए कहा है। दाखिला सेक्रेटरी की सरबराही वाली कमेटी अर्जी गुजारों के एतराजात पर गौर खौस करेगी। अदलिया ने कहा है कि अनुराधा भसिन मामले में अदालत कह चुकी है कि इस तरह के फैसले करते वक्त हुकूमत मुकर्ररा तरीक़ेकार पर अमल आवरी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे कौमी सलामती और इंसानी हकूक के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना है। और रमज़ान का मुकद्दस महीना जारी है, लोग इबादत में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। रमजान मुबारक के दौरान इबादतों का सिलसिला जारी है। आधे से ज्यादा रमजान गुजर चुका है और लोगों की कोशिश है कि वो इस महीने की बरकतों को ज्यादा से ज्यादा समेट सकें। ये महीना अच्छाई की तरबियत और नफ्स को पाकिजा करने का मौका है। रमजान मुबारक एक नहीं बल्कि कई जावियों से इंसान की शख्सियत और उसके बातिन को बेहतर बनाता है। रोजों से सबसे पहले तो हमें मुसावात का दर्स मिलता है कि रोजादार एक वक्त में सारे रोजादार अमीर हो या गरीब, मालदार हों सरमायादार हों या फ़कीर और मिस्कीन, सब एक हालत में एक स्टेटस में आ जाते हैं। रोज़े का एक दर्स ये भी है कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, हम दूसरों की जो है भूख और प्यास का एहसास करें, हम अपने नफ्स के खिलाफ जो है ये हंगर स्ट्राइक करते हैं। जैसे लोग जो है अपने जिस्म को स्लिम करने के लिए जो है खाना पीना तर्क करते हैं, रोज़े में हम खाना पीना तर्क करते हैं ताकि हमारी रूह जो है वो मुतवाजिन हो जाए। ये रोज़े वो कीमती रोज़े हैं कि जिसकी तैयारी के लिए जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 2 महीने पहले का इंतखाब किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से रोज़े रखा करते थे और शाबान में भरपूर रोज़े रखा करते थे। ये इतना कीमती और बाबरकत महीना है कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है और ख़ास तौर से ऐसे माहौल के अंदर पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम घरों के अंदर रह करके अपनी इबादतें करें और पूरी तरह से पूरी पाबंदी के साथ इबादतें ज़्यादातर करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए इस मरतबा रमजान की इबादतें घर पर अंजाम दी जा रही हैं। हुकूमत की हिदायत और उलमा की अपीलों को पेश नजर रखते हुए लोग नमाजें घर में ही अदा कर रहे हैं और तरावी भी घर पर ही पढ़ी जा रही है। उलमा ने अपील की है कि जब तक हुकूमत की हिदायत हैं तब तक इन तमाम एहतियातों पर अमल जारी रहे। इंसानियत को बचाने के लिए, शरीयत पर पाबंदी करने के लिए उलमा अकाबरीन बड़े जिम्मेदारान ने आपसे बार बार अपीलें की हैं और यकीनन उस अपील का पालन आप कर रहे हैं। अपने घरों में नमाजों का अहतमाम कर रहे हैं, अपने घरों में तरावीह पढ़ी जा रही है। मैं भी एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि इस सिलसिले को आप बरकरार रखें जब तक कि हुकूमत की तरफ से
मुकम्मल क्लियर सर्टिफिकेट ना दे दिया जाए और पूरी तरीके से ऐलान ना कर दिया जाए हर चीज़ के लिए, उस वक्त तक आप अपने घरों में रहें और अपने घरों में रह कर ही आप इबादत भी करें और अल्लाह के बंदों की मदद भी करें। रमज़ान मुबारक रहमत व बरकत और नफ्स की तहारत का महीना है। इस माह की इबादतें हमारे ज़ाहरी और बातनी वजूद को ताजगी बख्शने की सलाहियत रखती हैं, बस हमारा इखलास और रियाजत शर्त है। तो रमज़ान के इसी खूबसूरत पैगाम के साथ अब आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।